आप कौन हैं? मैं डॉक्टर नवीदुल हक, मेरे मामू लगते हैं। हाँ हाँ, मैं पाकिस्तान कराची से था। जी, मेरा नाम आगा हुआ है जी। मेरे वाले साहब का नाम आगा नासिर है जी। मेरा सवाल यह है कि अगर एक अहमदी गैर अहमदी के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता, अगर एक अहमदी गैर अहमदी के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता, लेकिन एक अहमदी गैर अहमदी मौलवी से कुरान शरीफ पढ़ सकता है, कुरान शरीफ, और अगर पढ़ सकता है तो ऐसा क्यों? दोनों में डिफरेंस बैठिए। अहमदी गैर अहमदी के पीछे क्यों नमाज नहीं पढ़ता, आपको पता है क्यों नहीं पढ़ता? आ जाए सामने। क्योंकि वो मतलब अहमदियों के पीठ पीछे उनके मतलब मुखालफत करते हैं, उनके पीठ पीछे की बहस नहीं, मैं तो मुखालफत करता हूँ। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को आप इमाम मेहदी समझते हैं जी कि नहीं? जी समझते हैं। यकीन है जी? इमाम कौन बनाता है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला बनाता है जी, या खुद बन जाता कोई इमाम? खुद तो नहीं। जो अल्लाह के बनाए हुए इमाम का इनकार करने की जुर्रत करे और कहे कि वो झूठा है, क्या वो खुद इमाम बन सकता है? नहीं। इसी सी बात है, कुरान करीम पढ़ाने में ये दावा है ही नहीं कहीं। खुदा का कलाम है, उसको अरबी आती है, वो पढ़ा देगा, उसमें इमामत या गैर इमामत की बहस नहीं है, नमाज में है। लेकिन उसमें खतरा है, जो गैर अहमदी के पीछे गैर अहमदी से मुल्ला से कुरान करीम सीखेगा, उसमें बहुत से ऐसे तर्जमे हैं जो हमारे मसलक से हटे हुए और बिलबदात गलत तर्जमे हैं, जिनसे मौलवी चिमटा रहता है। फातह मसीह वाली आयत है और बहुत सी आयात हैं जिनमें वो अमदन गलत तर्जमा आपके बच्चों को सिखाएगा, और माँ बाप को इतना वक्त नहीं या इतना इल्म नहीं कि वो उन उन जगहों पर उसकी दुरुस्ती करा सकें। फिर उसके अलावा कुरान करीम की बहुत सी आयात की उसको शुद्ध बुद्धि कोई नहीं, वो लफ्जी तर्जमा तो कर देगा मगर माने कोई नहीं निकलेंगे। तो ऐसे मौलवी से अपने बच्चों को पढ़ाना और बज़ाहिर खुश होना कि हमारा बच्चा कुरान पढ़ गया है, ये एक बोधी बात है। फिर हकीकत में आया वाक़ियतन उसने कुरान का मजमून सीखा भी है कि नहीं, ये बहस तलब बात है। इसलिए बाज़ अहमदी ख़ानदान इस मसनूई बात से खुश हो जाते हैं कि बच्चे ने कुरान एक दफ़ा पढ़ के फरफर दूसरी तरफ पहुंच गया। उसी बच्चे से मुश्किल आयात या वो आयात जिनमें इख्तलाफ है वो पूछ के देख लें, आपको समझ आ जाएगी किस हद तक बच्चा पढ़ा हुआ है। बहुत सी ऐसी आयत हैं जो हमारे उलमा भी ठहर कर गौर नहीं करते, जिसकी वजह से वो उसके मजमून से गाफिल रहते हैं। इसलिए अब तो बहुत आसान हो गया है, मैंने खुद कुरान करीम के तर्जमे की क्लासेस शुरू कर रखी हैं, अक्सर हिस्सा कुरान करीम का हम पढ़ चुके हैं, और उन क्लासेस को वीडियो ऑडियो की सूरत में हासिल किया जा सकता है। क्यों नहीं माँ बाप उन ऑडियो और वीडियो से फ़ायदा उठाते और ख़ुद भी सीखेंगे और अपने बच्चों को भी कुरान सिखाएंगे? इसके लिए जो निगरानी की ज़रूरत है, वक्त की, मेहनत की ज़रूरत है, दुनिया के कामों की वजह से वो उनको मैसर नहीं आता, मौलवी के हवाले करते हैं और छुट्टी कर जाते हैं। ये तरीक नुकसानदेह और ख़तरनाक है। बैठ जाइए।